अब ठीक है, अब आवाज आ रही है, आई एम श्योर आ रही है आवाज। सो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल सबनू जी आयनू, और मैं लाइव आ चुका हूँ। आई एम श्योर आपकी आवाज नहीं आ रही है, किसने बोला? सब प्लीज एक बार दोबारा से चेक करो मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, प्लीज बताओ जरा मुझे, मुझे बता दो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे बता दो जरा प्लीज, क्योंकि अब मेरा माइक थोड़ा बीच में से लीव स्टूडियो। आ रही है, हाँ ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है शुरू करते हैं। सो तीन ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, चाहे आपको मलाजमा है, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स है, तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। नंबर वन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने डाइट बता रखी है, हेल्दी साइरस डाइट। जब भी आप यूट्यूब के सर्च सेक्शन में जाओ, हेल्दी साइरस डाइट ये तीन वर्ड डालने हैं, मेरा वीडियो मिल जाएगा, डाइट को फॉलो करो। ये जो डाइट है ना ही ये फैट लॉस के लिए है ना ही ये वेट गेन के लिए है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी सर आपकी डाइट से हमारा वेट लॉस हो गया, कोई कहता हमारा फैट लॉस हो गया। प्लीज इस बात को समझें, जब आपने डाइट फॉलो करनी है तो वो डाइट आप, मैंने कभी ये नहीं बताया कि इतनी क्वांटिटी खानी है, जितनी भूख है आपको आपको उतनी ही डाइट लेनी है, ठीक है। तो प्लीज उस डाइट को उतना ही ले जितनी जितनी आपको भूख है। अब इस बात को समझे, जो लोग कहते हैं कि हमें वेट लॉस करना है तो मेक श्योर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा अच्छी होगी तो बॉडी का फैट लॉस इजी हो जाएगा आपका ना, क्योंकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है। अब जो लोग कहते हैं कि वेट गेन करना है उनको डाइट पे फोकस करना चाहिए, ज्यादा वर्कआउट करें, ज्यादा वर्कआउट करोगे ज्यादा भूख लगेगी, ज्यादा भूख लगेगी तो आप ज्यादा खाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ सवालों के जवाब लेता। विवेक भी सर क्या आप बायोटीन 1000 mg ले सकते हैं? विवेक मेरा ना बायोटीन पे बहुत डिटेल्स वीडियो आ रहा है जिसपे मैं बताऊंगा घर में बायोटीन का पाउडर आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई प्रोडक्ट होगा उसको मैं रिव्यू भी कर दूंगा। मेरी उंगलियां सुन हो रही हैं, क्या करूं? देखो हो सकता है आपने काफी देर से मसाज ना की हो, आपका हाथ आइडल पड़ा हो काफी देर से, तो इस वजह से हो सकता है उंगलियां आपकी सुन पड़ी हो। नूर मिर्जा कहते हैं हेलो, हाय नूर, हाय सर, मेरे फेस पे मिलिया वाइट बम्स हैं, ट्रीटमेंट भी कराया बट कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मुझे बताएं। सुनीता, सुनीता रावल जी इस बात को समझे, स्किन पे बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं जो कि एक नॉर्मल बात है, ठीक है। नॉर्मल इसलिए बात है कि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो इसका होने का भी यही रीजन है कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, वर्कआउट नहीं करती है, क्योंकि जब डाइट और वर्कआउट दोनों चीजें एक साथ करेंगी तो ये भी बैलेंस होने लगेगा। 5 साल से मलाजमा है, नैमुल निशा जी आपको पता होना चाहिए क्या करना है मिलाजमा, मिलाजमा पर ही मैं बताता हूँ ज्यादातर। हाय पल्लवी, विवेक सर क्या बात हो गया? विवेक बार बार सवाल को कॉपी पेस्ट मत करो प्लीज, ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है। रेनू रानू सर मुझे आपसे बात करनी है प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बात करें। थैंक यू सर, आप लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। साक्षी जी ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। जब आपको लगेगा ठीक हो जाएगा, ये वाकई में ठीक हो जाएगा। सर एक वीडियो फ्लेवर्ड वे प्रोटीन 1500 फॉर स्टूडेंट, अरे मैंने अभी वीडियो बनाया था ना, आप ऐसा करो न्यूट्रा वे का प्रोटीन ले लो, मैंने उसे बनाया था। हाय बबली, बिधुरी सिबलिंग सर क्या हम रोज शाम को उबली हुई दाल खा सकते हैं? यार दाल को अच्छे से खाओ, उबली हुई दाल क्यों खानी है, ठीक है, अच्छे से तड़का लगाओ उसको, देसी घी का तड़का लगाओ उसमें, बिल्कुल खाएं, उबली खानी उबली खा लो पर अच्छे से तड़का लगा के खाएं, मजा आना चाहिए खाने में। खुशबू कुमारी हाय सर एक बार हमसे भी करें, हाँ जी वही बात ही तो कर रहा हूँ मैं आपसे। सर बचपन से है पिगमेंटेशन, देखो बचपन से पिगमेंटेशन है। पीहू जी गाना नहीं आता पीहू बोले तो पीहू जी प्लीज इस बात को समझे, मैं पिगमेंटेशन पे ही वीडियो बनाता हूँ ज्यादातर, ठीक है। तो प्लीज मेरे वीडियो देखे, फॉलो करें डाइट और वर्कआउट करें। दीपक सरकार सर गैस एसटीडी कुछ बताएं ना सर। देखो एसटीडी तब होती है जब आपकी डाइट सही नहीं होती, ठीक है। वर्कआउट खाना लंच और डिनर के बाद 20-20 मिनट वॉक करनी है, ओवरऑल अपनी डाइट में पानी की क्वांटिटी बढ़ा दें, और उसके बाद जब भी आपने खाना लंच डिनर करना है सलाद खाना है याद से। सर बीटरूट चेहरे पे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप खा सकते हैं वो चेहरे पे लगा सकते हैं। सर मेरे फेस पूरा क्लीन हो गया है, थैंक यू, मेरी एज 15 ईयर्स है,
अमन शर्मा, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू नो आपका चेहरा क्लीन हो गया। बस आप ऐसे ही खुश रहें, हमेशा हेल्दी डाइट फॉलो करें, वर्कआउट करें और जीवन में खुश रहें, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्टडी, आफ्टरनून सर, आफ्टरनून जी। रेखा सर, मुझे 1 ईयर हो गया डाइट फॉलो करते, बट 30% रिजल्ट। रेखा जी, आप ना इस बात को समझे, 90% लोग स्ट्रगल करते हैं जब मैं कहता हूँ कि हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, उनको इस बात की समझ नहीं आती है हाई प्रोटीन डाइट का क्या मतलब होता है, ठीक है? तो मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि लोग मिस्टेक्स जो करते हैं हेल्दी साइरस डाइट में, वो उस पर वीडियो बनाया है, ठीक है? सो प्लीज डाइट को फॉलो करें, कोई वे प्रोटीन भी ले लें, सुपर ग्रीन भी ले लें, ओमेगा 3 भी ले लें, ठीक है? तीनों चीजें ले लें और वर्कआउट करना रेखा जी कंपल्सरी है, बिना वर्कआउट के नहीं जाने वाला, आपको बता दूं। तभी आपका ये थोड़ा 30% है। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि टोटल अमाउंट, बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि जी हम लोग जिम नहीं जा सकते। देखो, जिम जाने का कोई नुकसान नहीं होता, उससे फायदा ही होगा। जितना भी रिजल्ट है वो जल्दी ही मिलेगा आपको। हाय मोनिका, प्लीज सर लाइव ले ले एक बार। हरीश प्रजापति जी, आप ना इंस्टाग्राम पे लाइव आए, ठीक है? अभी तो मैं यहाँ पे केवल सवालों के जवाब दे रहा हूँ। आरिजा सर, जिस जगह मेरी पिगमेंटेशन खत्म होती है वहां क्यों फिर से पड़ जाती? मुझे लगता है आपकी डाइट में कमी है आरिजा जी। मैंने वीडियो बनाया है मिस्टेक जो लोग करते हैं हेल्दी साइज डाइट में, उस पर वीडियो बनाया है। प्लीज प्लीज आप प्रोटीन वगैरह ले लें, सुपर ग्रीन भी ले लें, ठीक है? हाय सिंह, रागिनी, हाय रागिनी, मेरा मुलाजमा नहीं जा रहा। देखो, अगर नहीं जा रहा तो आपको पता होना क्या करना चाहिए, ठीक है? वर्कआउट करो, डाइट फॉलो करो, इसका कोई और इलाज है नहीं, आपको बताऊं। पिंपल में टी लेना चाहिए। देखो, टी का पिंपल से कोई लेना देना नहीं है। ले लो साइना, हाय, मुझे 5 साल से मुलाजमा है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कैसे ठीक होगा ये, ठीक है? कहाँ गया ये? अरे यार, सारे मेरी बच्ची 13 साल की है, क्या वो आपकी डाइट? बिल्कुल, देखिए मेरी एक हेल्दी डाइट है। क्या बच्चे फ्रूट्स नहीं खा सकते, सैलड नहीं खा सकते, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, सीड्स नहीं खा सकते हैं? तो यही तो डाइट बताई है मैंने, तो बिल्कुल बेफिक्र रहे, कोई भी ले सकता है इस डाइट को। रुखसाना सर, हम सोया का प्रोटीन किस टाइम? देखिए, प्रोटीन लेने का कोई टाइम नहीं होता, ठीक है? जब मर्जी ले सकते हैं, सुबह ले लो, शाम को ले लो, प्री वर्कआउट ले लो, पोस्ट वर्कआउट ले लो, जब मर्जी ले लो। प्ले फ्रैग प्रो शूटर, पिंपल्स हैं पस वाले। देखो, पस वाले पिंपल हैं तो आपको अंदर से क्लेंज होने की जरूरत है, आपको बताऊं। इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दो, आप वीगन बन जाओ, नॉन वेज और मिल्क वगैरह अवॉइड करें, ठीक है? और इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली जो डाइट है वो फॉलो करें। पूरी सीरीज बना रखी है मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, उसकी फुल डे डाइट भी बता रखी है। सब्जी कैसे बनानी है, रोटी कैसे बनानी, सब बता रखा है। पूरी सीरीज को फॉलो करें बिलाल जी आप। मेरा फेस पूरा क्लीन हो गया, थैंक यू अमन, थैंक यू फॉर द सेकेंड मैसेज। अच्छा, ये तो हो चुके हैं। सर महीना क्या, 7 महीने हो गए आप पाली डाइट लेते हुए, नो रिजल्ट। ये तो आप एक्सक्यूज दे रहे हैं, आपने ढंग से डाइट फॉलो नहीं की, आपने वर्कआउट नहीं किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है? ये कहने की बात होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर डाइट लेने से आपको रिजल्ट ना मिले, ठीक है? तो पहले तो जाके डाइट देखो, फिर पता लगेगा। सर डार्क स्पॉट कैसे जाएंगे? प्लीज इस बात को समझे, मैंने ग्रीन माचा पे भी वीडियो बनाया था, ग्रीन माचा को ऐड करें अपनी डाइट में, ठीक है? और मेरा वीडियो देखें, डाइट फॉलो करें, मेन तो डाइट है देखो आपकी। सर ओजीवा प्लांट सुपर फूड कैसा है? ओजीवा प्लांट का सुपर फूड मैंने ये ट्राई नहीं किया है। मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, देखो अपनी डाइट पे फोकस करो, मेक श्योर डाइट में ओमेगा 3 की कमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप फिश ऑयल कैप्सूल ले लो या फ्लैक्स सीड ऑयल कैप्सूल ले लो। सर जी बेस्ट फिश ऑयल बताएं पाकिस्तान में। देखिए, मुझे पाकिस्तान का कोई अंदाजा नहीं है, पाकिस्तान में कौन से ब्रांड मिलते हैं। तो आप ऐसा करा करें, मैं आपको एक हिदायत देता हूँ मोहसिन जी, कोई भी आपका दोस्त मित्र जब दुबई से आए या फॉरेन कंट्री से आए, तो उनसे मंगा लो, फिश ऑयल मंगा लो, जो 1000 mg तक मिनिमम होना चाहिए। सॉरी, चलिए। मास्टरबेशन से हेयर फॉल होता है? नहीं, नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं।
सर मुझे बहुत पिंपल होते हैं, क्या करूं, 7 साल से परेशान हूं। इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करो, मेरी सीरीज है डिटॉक्स योर बॉडी, डिटॉक्स बॉडी में, उसमें से 5 वीडियो हैं, 5 6 वीडियो हैं, प्लीज उसको फॉलो करो। डाइट भी बता रखी है, कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है ये भी बता रखी है। ठीक है ठीक है चलो। हाय सर, बेस्ट नाइट क्रीम कौन सी है? कोई क्रीम नहीं आती, मैं किसी क्रीम को रेकमेंड नहीं करता। अभी मैंने चेहरा धोया है और कुछ नहीं लगाया है। ठीक है, हाय स्नेहा। हाँ अमन शर्मा, प्लीज एक ही बार मैसेज टाइप करो, बार बार कॉपी पेस्ट मत करो। हेलो सर, मैं आपकी डाइट 1 मंथ से फॉलो कर रही हूँ और मल्टीविटामिन भी ले रही हूँ, पर जब मैं मल्टीविटामिन खाती हूँ तो मेरा स्टमक में पेन स्टार्ट हो जाता है, वो हींग के पानी से ठीक होता है। देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझे रेणु जी कि मैंने जो ब्रांड्स रेकमेंड किए हैं आप वही लिया करें। मार्केट में हजारों ब्रांड आते हैं, हजारों ब्रांड, ठीक है, लेकिन जो मैंने खुद टेस्ट किए हैं अपने पे, हैं लोग जानवरों पे टेस्ट करते हैं ना, मैंने खुद पे टेस्ट किए हैं, तो जो मैंने खुद पे टेस्ट किया वही लिया करो। मेरा कोई भी YouTube का वीडियो देखो, वीडियो के नीचे लिंक्स मिलेंगे और उसको वहीं से आप खरीदो तो ज्यादा अच्छा है। और मेक श्योर केमिस्ट की दुकान से नहीं लेना, हमेशा अमेजोन से खरीदो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है सर, हमसे बात करनी है। हाँ जी बात कर रहा हूँ आपसे, शाहीन जी। रुद्र सर, मैं आपकी डाइट 8 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ पर मिलाजमा जा नहीं रहा। देखो इस बात को समझो कि मैंने बोला है एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, तो आप सप्लीमेंट भी ऐड करो, एक प्रोटीन ऐड कर लो, सुपर ग्रीन ऐड कर लो और मल्टीविटामिन। सर मुझे बहुत पिंपल होते हैं 7 साल, मैंने रुबीना खान, मैंने आपको अभी बताया, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करो, उसी की पूरी सीरीज है, डिटॉक्स योर बॉडी वाली सीरीज चेक करो आप। पूजा सर, हो सकता है आपका पिगमेंटेशन क्लियर ही इसलिए हो गया, आप फिश ऑयल कैप्सूल लिया, बट हम वेजिटेरियन है। देखिए ऐसी बात नहीं है, मेरे हजारों फॉलोअर हैं, हर रोज एक वीडियो आता है, हजारों फॉलोअर हैं उनका ठीक हो गया, और हजारों में से ऑलमोस्ट 70% लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं। तो वेजिटेरियन लोग फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं, ठीक है, फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल। मेरा कोई भी यूट्यूब का वीडियोस देखोगे उसके नीचे आपको फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल का लिंक मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, डाइट मेन है होती है। सर आपके डाइट फॉलो कर रहा हूँ, उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। देखिए बस ना उम्मीद नहीं होना आपको, ठीक है, खुश रहें, अच्छे से वर्कआउट करें, डाइट फॉलो करें, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सर आटा वाला मैगी, ना ना ना, मैगी सबसे हार्मफुल चीज होती है फरीदा जी, चाहे वो आटे वाला हो चाहे ओट्स वाला हो, ये कहने को आटा होता है, ये कहने को ओट्स होता है, इसमें सारा मैदा होता है, इसमें केवल 5 to 10% आटा है या 5 to 10% ओट्स है, तो प्लीज मैगी मत लें, दुनिया की सबसे वाहियात जो फूड है वो मैगी है। सर बनाना फेस पे, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, मैंने कहा जो भी चीज आप खा सकते हैं वो चेहरे पे लगा सकते हैं, क्योंकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपका फेस अब्सॉर्ब कर लेता है, तो बनाने में केमिकल तो है नहीं, तो केमिकल तो नहीं जाएंगे फेस पे, चेहरे पे बनाना ही जाएगा, उसके न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। पिंपल है पस वाले, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो बिलाल, और डाइट फॉलो करो, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हेलो सर, फेस पर और गर्दन पर सफेद दाग हो गए हैं, देखिए मुझे अब देखना पड़ेगा सफेद दाग कैसे वाले दाग हो गए हैं आपको, या तो फुलैरी जो से बोलते हैं वो हो गया है, या तो कुछ और हो गया है, देखना पड़ेगा। मेक श्योर आप अच्छे से वर्कआउट करो, पसीना बॉडी से निकलना चाहिए और वर्कआउट के बाद नहाना बहुत जरूरी है, तो ऐसे मैं अज्यूम नहीं कर सकता। सर मेरा पिगमेंटेशन 1 मंथ में 30% हुआ है बस, कम हुआ है, आपका वीडियो देख के डाइट फॉलो, बहुत अच्छी बात है। देखो ट्रेवल एक्सपर्ट, इस बात को समझो, किसी को ना बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, किसी को वक्त लग जाता है रिजल्ट मिलने में, ठीक है, डिपेंड करता है, हर इंसान अलग अलग है, हर कोई मुख्तलिफ है, हर किसी का डाइजेशन अलग है, उसका कल्चर, उसका खान पीन, उसकी बॉडी, उसका बॉडी टाइप, हर चीज अलग है, ठीक है, तो हर इंसान को अलग अलग तरीके से रिजल्ट मिलता है। आपको 1 महीने में 30% रिजल्ट मिला था, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू नो, बट आप ऐसे ही फॉलो करते रहें, खुश रहें, डाइट फॉलो करें, वर्कआउट भी कंपलसरी है। सर मेरी बच्ची 13 साल की है, क्या वो बिल्कुल कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे बहुत इंटरमिटेंट फास्टिंग करें रुबीना जी, मैंने अभी बताया था। चेचक के दाग कैसे हटाएंगे? चेचक के दाग देखो इसमें, ये तो एक क्या बताऊं, सबसे पहले तो आप साफ सुथरे रहिए, ठीक है, अपना कपड़े हमेशा, चद्दर अपनी चेंज करते रहिए,
वर्कआउट करें, डाइट फॉलो करें, और आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, खास करके डर्मेटोलॉजिस्ट आता है उससे कंसल्ट करें, वो आपको कुछ क्रीम वगैरह दे देगा, ठीक है। मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मेक श्योर आपकी, मोनू जी, आपकी डाइट में ओमेगा 3 की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ नहीं आ रही फेस के लिए, उसमें मेरा बहुत ड्राई, देखो अगर आपका ड्राई स्किन है तो रात को फेस पानी से धो के कोकोनट ऑयल लगाओ, हल्का सा कोकोनट ऑयल लगा लो, उसको अच्छे से मसाज करो ताकि वो कोकोनट ऑयल आपकी स्किन के अंदर तक चला जाए। सुबह जब उठेंगे आपका चेहरा बहुत ब्यूटीफुल होगा, सुबह फिर खाली पानी से उसको धो लें, ठीक है। और जिनकी ड्राई स्किन होती है, ज्यादा फेस वॉश दिन में केवल एक बार लगाया करें, पानी से जितनी बार मर्जी धो सकते हैं, रोज वाटर से साफ कर सकते हैं चेहरा जितनी बार मर्जी को चेक करें। सर फैटी लीवर में प्रोटीन ले सकते हैं, देखिए ले सकते हैं, हर चीज को बड़े बैलेंस तरीके से लेना होता है, ठीक है। जहां पे मेडिकल कंडीशन हो हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें आप, ठीक है। बाकी है कि डाइट पे फोकस करें, खाली डाइट पे फोकस करें आप। पस वाले पिंपल मैंने बता दिया आपको, सर मुझे बहुत पिंपल होते हैं क्या, ये भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया मैंने सब मुझे बहुत, ये तो हो बता दिया। कुलविंदर सैनी, हेलो, आई बीन फॉलोइंग योर डाइट सिंस फेब्रुअरी, माय एनर्जी लेवल हैज इंक्रीज बट इट हैजंट हेल्प मच विद माय पिगमेंटेशन। वेरी वेरी नाइस। देखिए कुलविंदर सैनी, कुलविंदर जी प्लीज इस बात को समझें, हर इंसान को ना अलग अलग तरीके से रिजल्ट मिलता है। आप फेब्रुअरी से डाइट फॉलो कर रही हैं, आई एम श्योर कि आप वर्कआउट करती हैं या नहीं करती हैं, आई डोंट नो, मेक श्योर आप वर्कआउट जरूर करें, वर्कआउट करना कंपल्सरी है, आसपास का जिम ज्वाइन कर लें, और डाइट में देखें कहाँ कमी है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट डाइट फॉलो करनी है। तीसरा, आपको खुश रहना है। चौथा ये कि अगर आपकी कोई कोई दवाई चल रही है तो हो सकता है वो भी थोड़ा नुकसान कर रही हो, ठीक है। तो डाइट चेक करें क्या कमी है, वर्कआउट करें। सर मुझे पिंपल है तो बता दिया मैंने, सर यू आर सो क्यूट, सो क्यूट योर SMA, थैंक यू आरिश जी। सर पिंपल बता दिया मैंने, यीस्ट इन्फेक्शन ऑन फेस, ओ तेरे की। स्नेहा जी प्लीज आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, ये बाहरी रूप से इन्फेक्शन होती है, वो आपको कुछ क्रीम देगा, कुछ दवाई देगा, आप फॉलो करें उसको, ठीक है। साक्षी, थैंक यू सर, जब से आपका वीडियो देख रहा है सच में लगने लगा है ठीक हो जाएगा, बहुत दवा यूज किया आता है जाता था। साक्षी जी आप टेंशन मत लें, बस खुश रहें आप जिंदगी में, जितना खुश रहेंगे उतनी जल्दी रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बस ये है कि ऐसे ही डाइट फॉलो करती रहे, वर्कआउट करना कंपल्सरी है, याद रखें, ठीक है। सॉरी हाफ कमेंट पढ़ा आपने, मेरी फुल कमेंट पढ़े प्लीज, तो आप फुल कमेंट लिख देना। लवप्रीत सिंह, सर जी मैं पटियाला से हूँ, मेरे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं। लवप्रीत सबसे पहले जिम ज्वाइन कर लो, जितनी भी एज है आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिम ज्वाइन कर लो, मेरी डाइट फॉलो करो, खूब सारा पानी पिया करो, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब चीज बैलेंस हो जाएगी। स्मूदी जूस कनेक्ट करके पी सकते हैं, स्मूदी जूस, नहीं देखो स्मूदी अलग है, जूस अलग है, दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग लो उसको। आपका नंबर, मेरा नंबर क्या करोगे लेके यार, वीडियो देख लिया करो। प्रतीक्षा, सर मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई है, मेरी एज 19 साल है, पहले नहीं थी, वापस पहले जैसे कैसे करें। वर्कआउट करा करो, सिंपल जिम में जाके हार्ड कोर वर्कआउट करो, देखो कैसे बैलेंस हो जाएगी स्किन। रुबीना, सर मुझे बहुत पिंपल होते हैं क्या करूं। रुबीना जी मैंने आपको बता दिया, बार बार सवाल मत करा करें ना। देखिए अगर समझ नहीं आ रही आपकी डाइट तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हिंदी में डाइट बताई है, हिंदी में अगर आपको डाइट नहीं समझ आई कुछ नहीं कर सकते। ये भी हो गया था समय, ये बार बार क्यों सवाल पूछते हैं। सब मुझे पिंपल होते हैं क्या करें, फिर दोबारा से आ गया। सम फॉलोइंग डाइट सिंस 2 मंथ्स, होप इट विल गेट रिड ऑफ दिस पिगमेंट, आई विल कॉल यू सर, थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। शाहीन फौजिया जी ऐसे ही वर्कआउट करें, डाइट फॉलो करें, ठीक हो जाएगा। यीस्ट इन्फेक्शन का बता दिया मैंने क्या करना है, प्लीज रिप्लाई सर, हो सकता है आपका पिगमेंटेशन क्लियर हो। अरे यार ये तो मैंने बता दिया, बार बार कॉपी पेस्ट क्यों करते हो। सर मैं थायराइड की दवाई लेता हूँ, मेरा पिगमेंटेशन नहीं जा रहा है। देखिए इस बात को समझे, जब आपको थायराइड है तो डेफिनेटली वो नुकसान तो करेगा ही करेगा ना, क्योंकि आपकी दवाई चल रही है,
तो कोई बात नहीं, आप जब खाना खाएं थोड़ी क्वांटिटी में खाएं, जैसे लोग 3 बार खाना खाते हैं, आप 5 बार खाएं, लेकिन वो 5 बार का खाना 3 टाइम मील के बराबर होना चाहिए। थोड़ी क्वांटिटी में खाना खाएं, ठीक है। सुपर ग्रीन्स वगैरह ले लें, ओजीवा कोलाजन बिल्डर ले सकते हैं। ओजीवा का कोलाजन बिल्डर पे मैंने वीडियो बनाने वाला हूँ, अब मेरे पास प्रोडक्ट आ गया है, मैंने यूज नहीं किया, तो अगर मुझे अच्छा लगेगा प्रोडक्ट तो मैं बना दूंगा इस पर, ठीक है। तो अभी मैंने यूज नहीं किया है इसको। सर मेरी बच्ची हो गया है, तो सब बचपन से भी हो गया, पूरा ले रही, पर कभी लगता है ठीक हो रहा है, कभी लगता है नहीं ठीक हो रहा, फेस ब्लैक ब्लैक लग। देखिए मौसम जब बदलता था ऐसा होता है कि आपको लगेगा, जब पिगमेंटेशन जाता है ना तो आपकी स्किन जो है ना पीछे की वो ग्लो करती है और पिगमेंटेशन और ज्यादा डार्क लगता है, ठीक है। इस बात को समझें, ऐसा होता है, क्योंकि जब मुझे रिजल्ट आ रहा था तो मेरी स्किन बहुत ग्लो कर रही थी, लेकिन ग्लो के चक्कर में जो पिगमेंटेशन था ना पूरा फेस पे, वो बहुत ज्यादा डार्क लगने लगा, क्योंकि पीछे की स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती थी। तो इस वजह से लगता है वर्कआउट करना कंपल्सरी है, अगर वर्कआउट नहीं करते तो फिर रिजल्ट आप भूल जाए, ठीक है। चंचल सर मेरे हबी का फेस पर भी ज्यादा डीप बर्न हो गया है एंड ब्लैक हो गया, फेशियल भी ले रहे। देखो डाइट फॉलो करो, वर्कआउट करो, अगर बर्न हो गया है, आई डोंट नो कैसे बर्न हो गया, अगर तो सनबर्न की बात करें तो वो ठीक हो जाएगा, सन टैनिंग पे मैंने वीडियो बना रखा, अगर वैसे का आग से कहीं चोट लगी तो वो मुश्किल है। हेलो सर मेरी बात सुनो। हाँ जी सर, एक्ने के लिए बेंजोइल पैरा, अरे बाबा एक्ने के लिए कोई दवाई नहीं आती है, ठीक है। मैंने एक्ने पे वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है एक्ने, अगर एक्ने है तो आपको एक सीरम लगाना है, क्योंकि सीरम में बहुत अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट दिए हैं, सीरम का में फेस वॉश भी बताया मैंने, वो वीडियो मेरा आई थिंक ट्यूजडे या आज के बारे संडे वेनसडे या ट्यूजडे को आ जाएगा, ठीक है। धूप में खेलता हूँ काली हो जाती है, सनस्क्रीन लगाया करो धूप में जाने से पहले, ठीक है। ये तो हो गया। बिस्मिता हेलो, मैं आपके हर डाइट फॉलो कर रही हूँ बट मेरे आंख के नीचे फूला हुआ है। देखो मैंने बोला फिश ऑयल भी बन, मेरे हेयर भी, देखो मैंने बोला है आपको आई बैग्स है, आई बैग्स पे वीडियो बनाओ, सर्च में डालो हेल्दी साइरस आई बैग्स, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, फॉलो करो, मैंने पूरी रेमेडी बता रखी है। हेलो सर मेरा वजन 80 किलो है, मैं उसे कैसे कम करूं, मेरे से वर्कआउट नहीं हो पाता, मुझे थकान रहती है, मुझे बताएं। देखिए सबसे पहले तो अगर वर्कआउट नहीं कर सकते वजन कम नहीं होने वाला, सिंपल सी बता रहा हूं बात आपको, जैसे जैसे आप धीरे धीरे वर्कआउट करते रहोगे बॉडी में स्टेमिना बिल्ड होगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, फिर धीरे धीरे आप अच्छे से वर्कआउट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी बॉडी में स्टेमिना नहीं है, अचानक से वर्कआउट करोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, आप ट्राई करते रहें, बिना वर्कआउट के वजन नहीं कम होगा, बिना फिजिकल एक्टिविटी के वर्कआउट नहीं कम होगा। सनबर्न बहुत जल्दी हो जाता है, फेस पर छाइयां भी हैं, देखो पिगमेंटेशन के लिए मैंने बता रखा है क्या करना है, ठीक है, और सनबर्न है तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। सर एक्ने के लिए बेंजॉय, देखिए एक्ने के लिए कोई भी दवाई नहीं आती है, ठीक है, एक्ने की कोई दवाई नहीं आती, प्लीज एक्ने पे मैंने वीडियो बना रखा है, मेरा वीडियो देखें और उसको फॉलो करें, ठीक है। तो प्लीज एक्ने की कोई क्रीम नहीं आती है सर मेरे हबी, अच्छा तो हो गया। हेलो सर क्या प्रोटीन पाउडर लेने से स्टमक फुल हो जाता है, क्या लग रहा है आपका जीवा, और सर एक्सपीरियंस, नहीं ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, आप पानी के साथ लो, पानी के साथ लो, सब बता रखा मैंने, आप प्रोटीन को पानी के साथ लो, जब भूखे तब लेना आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछते हैं। सर स्टेराइड क्रीम लगाई थी, आपकी डाइट से पूरी बॉडी गोरी हो गई पर फेस वैसा ही ब्लैक है, देखो स्टेराइड क्रीम क्यों लगाई थी पहले, तो सबसे पहली बात क्यों है, ठीक है, अब लगाई थी तो अब मत लगाएं, अब डाइट फॉलो करें, वर्कआउट करें, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सुख हेलो सर क्या प्रोटीन पाउडर, ये तो हो गया। सर मेरा फेस मेरे हैंड्स एंड अदर बॉडी पार्ट से मैच नहीं, सबके सब सबके साथ होता है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, दिख रहा है नहीं, ये
हाँ, अगर मैं ये दिखाऊं तो देखो ये पार्ट थोड़ा काला है और ये पार्ट थोड़ा गोरा है। वो इसलिए होता है कि ये हिस्सा जो होता है कैसे बोलूं, हवा के साथ कांटेक्ट में होता है, पूरे एटमॉस्फेयर में होता है, यहाँ पे सनबर्न भी होता है। तो ये जितने कपड़े पहने रहेंगे, जो चीज हमेशा ढक के रखेंगे वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी। अब ऐसा पॉसिबल तो है नहीं ना, पूरा मुंह पूरा हाथ पूरा कवर्ड होके चले, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। ठीक है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। जितना एरिया आपका एटमोसफेयर में रहेगा उतना आपको वो रहेगा रहेगा। बस ये है कि ज्यादा एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया सर। मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई है, मेरी एज 19 ईयर है, पहले नहीं थी। वापस देखो, सेंसिटिव स्किन के लिए वर्कआउट करा करो अगर हो गई है तो। क्या प्रोटीन पाउडर लेने से स्टमक वो? नहीं, तो मेरा फेस, मेरे हैंड्स एंड अदर, वो ये तो बता दिया। साइरस सर थैंक यू सो मच सर, 6 मंथ से 70% पिगमेंटेशन ठीक हो गया है सर। एक बात तो समझ आ गई हुआ कि आपकी डाइट के बिना पिगमेंटेशन कभी नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, मुझे बहुत खुशी है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के, क्योंकि मुझे 6 महीने में 80% मेरा चला गया था। तो आई एम हैप्पी कि आपका चला गया है। बस ऐसे ही डाइट को फॉलो करें, वर्कआउट करें और खुश रहा करें, बाकी का जो 30% है ये भी चला जाएगा आपका। सो अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छा लगा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन सुन के। आप इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाएं कभी मेरे साथ, आपसे बात करेंगे। सर मैं वेजिटेरियन हूं, मैं फिश ऑयल नहीं लेते। देखिए तो आप फ्लैक्स सीड ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं राहुल। मेरा कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखो, वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे रखा है, फ्लैक्स सीड ऑयल कैप्सूल ले लो, उसमें भी ओमेगा 3 है। ये हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अभी 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 फर्क पड़ा है, 70% पिगमेंटेशन ना। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आपको कोशिश करते रहना, नहीं करोगे तो नहीं फर्क पड़ेगा। दिव्यानी सर मेरा फेस मेरे हैंड्स अदर बॉडी पार्ट से मैच नहीं करता। दिव्यानी मैंने अभी अभी इसका जवाब दिया है सर। थैंक्स बट हेयर फॉल के बारे में नहीं बताया। देखिए मेरा हेयर फॉल पे वीडियो देखें, मैंने 2 से 3 वीडियो बना रखे हैं हेयर पे। ठीक है, डाइट फॉलो करनी होती है, मेक श्योर ओमेगा 3 की कमी नहीं होनी चाहिए आपको, बस इस बात को समझें। मेरा फेस मेरे हैंड्स अदर बॉडी तो हो गया सर। 3 महीने हो गए डाइट वर्कआउट करते हुए, चेहरे पे ग्लो आ गया है पर बार बार पिंपल हो जाते हैं जिससे डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। पिगमेंटेशन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। देखो अभी 3 महीने हुए हैं, ऐसे ही वर्कआउट करते रहो, डाइट फॉलो करो, खूब सारा पानी पियो, कोकोनट वाटर पियो, मेक श्योर पसीना बॉडी से अच्छे से निकलना चाहिए। देखना आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा। बस ऐसे ही फॉलो करते रहे, बस कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यूस। हेलो सर हमारे भी मैसेज रीड कर लो। कर लिया जी रीड आपका मैसेज आने। मैं तो हड्डा वीडियो फॉलो करदा वहां हर रोज। थैंक यू सो मच बजिंदर जी, आप खुश रहें और उम्मीद है आपका अगर कोई इश्यू है तो वो भी ठीक हो जाए। हाय हेलो सर, 30 से 40 मिनट वॉक करती हूँ, मुझे स्वेट नहीं आता। देखो 1 घंटा वॉक करनी है, ठीक है, 1 घंटा वॉक करनी है और मेक श्योर थोड़ा फास्ट वॉक करनी है। स्प्रिंट वॉक बोल लो या फास्ट वॉक बोल लो आप, ठीक है, थोड़ा फास्ट करो। आनंद कहते हैं वेटिंग फॉर 1 मिलियन। थैंक यू आनंद कांबले। मैं भी बहुत वेट कर रहा हूँ, जल्दी से 1 मिलियन हो जाए, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे, मजा आएगा। तो होप जल्दी हो जाए। काजल सर मेरा फेस पर ग्लो आ गया। काजल जी बड़ी खुशी की बात है, ग्लो आ गया आपके चेहरे पे। डाइट ऐसे ही फॉलो करनी है, वर्कआउट करना है और देखना धीरे धीरे चीजें बैलेंस हो जाएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम भी है ना वो भी ठीक हो जाएगी। थैंक यू आनंद। डाइट फॉलो करती हूँ तब तक फेस ही चाया, क्या फेस है चाया चली जाती, चली जाती, डाइट बंद करते ही वापस आ जाती है। देखिए आपकी डाइट ना अच्छी नहीं है, आपको बताऊं डाइट में बहुत सारी कमियां मुझे लगती हैं आपकी डाइट में, ठीक है। मेक श्योर पूरी डाइट फॉलो करें और वर्कआउट करना कंपलसरी है। ये तो हो गया सर। मेरे बैली पर बहुत ज्यादा ब्लैक स्पॉट है। देखिए ब्लैक स्पॉट कैसे हुए हैं, क्योंकि बैली एक ऐसी चीज है हमेशा ढकी रहती है, वो ज्यादा एटमोस्फेयर में धूप में नहीं होती, तो वहां पे ब्लैक स्पॉट होना बड़ा मुश्किल है, ऐसे जवाब देना। आप ऐसा करें एक बार किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से चेक कराएं, किसी डॉक्टर से चेक नहीं कराना, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से चेक कराना। स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनसे चेक कराओ। बोल रहा है कि बालों के
दया देते हो क्या? नहीं भाई, मैं कोई दवा नहीं देता, मैं डाइट बताता हूँ। अच्छा, उमरा राशिद सर, मोहन स्टीरॉयड क्रीम? नहीं, कोई स्टीरॉयड क्रीम मत लगाओ दोस्त, कोई ना। आपकी डाइट से पिगमेंटेशन 40% खत्म हो गया है, थैंक यू सो मच। रिचा सिंह, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू नो रिचा जी, आप खुश रहें हमेशा और ऐसे ही फॉलो करते रहें, और आई एम श्योर 60% जो बचा है वो भी चला जाएगा। प्लीज टॉक टू मी सर। अलीशा जी, आपसे बात ही तो कर रहा हूँ मैं। सर कम्प्लेक्शन फेयर कैसे करें? देखिए, कम्प्लेक्शन को फेयर नहीं कर सकते। इशिका जी, जो भगवान भगवान ने आपको रंग दिया है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? उस पर एक निखार ला सकते हैं, उसको हेल्दी बना सकते हैं, उसपे कोई अगर डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, पिंपल्स हैं तो उसको ठीक कर सकते हैं। रंग को चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, मैंने स्किन वाइटनिंग पे वीडियो बनाया था, ग्लूटाथियॉन। जब ग्लूटाथियॉन लेते हैं तो वो भी आपकी स्किन को हेल्दी करता है, कहीं ना कहीं एक रंगत देता है, चेहरे में निखार देता है। बाकी रंग तो आपका वैसे ही रहेगा ना, थोड़ा निखार जरूर आ जाएगा। सरिता सर, मेरे बैली पर पिगमेंटेशन है, क्या करूं? देखो, एक ही तरीका है पिगमेंटेशन ठीक करने का, जो मैं बताता हूँ, प्लीज फॉलो करा करो वीडियो। पानी पी लूं थोड़ा सा। मलाल क्री मलाज, काला डब्बा सा हो गया। देखो, ये मलाज क्या है, अगर आपका चेहरा क्रीम लगाने से खराब हुआ है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, डाइट फॉलो करो और वर्कआउट करो, ठीक है? चलो, अब मैं ऐसा करता हूं, इनवाइट करता हूं कुछ लोगों को, ठीक है? कुछ लोगों को इनवाइट करता हूं, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल रहा हूं, कमेंट सेक्शन में, ठीक है? उस लिंक पे क्लिक करो और आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हो, ठीक है? मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दिया है, उस लिंक पे क्लिक करो, इस वाले लिंक में, ये कमेंट सेक्शन में है लिंक, और मुझसे आप जुड़ सकते हो, ठीक है? दोबारा बताता हूँ, मैंने कमेंट में ये वाला लिंक डाल दिया है, इस लिंक पे क्लिक करो, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मैं कुछ लोगों को लाइव ले लेता हूँ, आप ठीक है, सवालों के जवाब हो गए हैं, फिर भी जो रहता है मैं देता रहता हूँ। मैंने लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, कमेंट में जाएं और वहां पे क्लिक करें, फिर मैं आपको लाइव ले लूंगा, ठीक है? थोड़े से सवाल भी उठा लेते हैं यहाँ से। स्किन सेंसिटिव है पर बार बार पूरा शरीर पर सनबर्न होता है। देखो, धूप में मत जाया करो, सिंपल सी बात है, ठीक है? धूप में मत जाया करो, सनस्क्रीन लगाओ अगर जाना पड़ता है तो। सर, सोया का प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं? आपने वीडियो बनाई है, बिल्कुल ले सकते हैं। मोहिनी जी कहती हैं, क्या एक अच्छी डाइट से हेयर फॉल से भी स्टॉप हो? बिल्कुल स्टॉप हो सकता है मोहिनी जी। या कुछ और भी फॉलो, आप बिल्कुल डाइट फॉलो करो, जो मैंने डाइट बताई है, हेल्दी साइज डाइट, और साथ में ओमेगा 3 भी लो। चलिए जी, ऐड करते हैं किसी को। हेलो, हाय, हेलो सर। हाँ जी, हाय कैसे हैं आप? सर। ठीक है सर। कहाँ सर से बोल रहे हैं पिंपल्स आप, हो सर। कहाँ से बोल रहे महाराष्ट्र हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, अच्छा। हाँ तो देखो दोस्त, आप सबसे पहले पानी खूब सारा पिया करो, पानी बहुत कम पीते हो, ठीक है? ठीक है हैं? सर। और ठीक है नंबर दो, जिम ज्वाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सर। जिम में? जिम नहीं है इधर सर। जिम नहीं है तो रनिंग नहीं। कर सकते हो, सुबह 1 घंटा रनिंग कर सकते हो, हाँ सर। ठीक है। हाँ एक घंटा रनिंग करो, कोकोनट पानी वाटर पी सकते हो, हाँ सर। ठीक है? दूध अवॉइड करना है, नॉन वेज को अवॉइड करो, ठीक है? बाकी जो ठीक है। सलाद खूब सारा खाना, ठीक है? मेरी हेल्दी साइरस डाइट है, डाइट को फॉलो करो, 1 घंटा रोज आपने वो करना है, क्या कहते हैं, दौड़ लगानी, ठीक है? और ठीक है डाइट सर। फॉलो करो, ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्त? ठीक है सर। थैंक यू सर। चलिए, अपना ख्याल रखिए और जब ठीक हो जाएगा दोबारा करेंगे बात। हेलो हेलो, चलिए जी, ये हेलो, नमस्ते जी, हेलो, आपसे हेलो। तो पूजा जी मेरी बात हो गई है। बिल्कुल, अभी मैंने पूछा हाँ था जी, सर कि हाँ जी। देखिए, वेजिटेरियन लोगों का ठीक नहीं होता। थोड़ा सा डाउट ये है, मतलब मैं फॉलो ये कर रही कहने हूँ की सर। बातें आपको बताऊं, मेरे जो 70-80% जो फॉलोअर्स है ना, वो वेजिटेरियन है, आपको बताऊं, हजारों जी लोगों का ठीक हो गया, तो आपका कैसे नहीं ठीक होगा? अभी मैंने डेफिनेटली वीडियो भी होगा बनाया सर था, ओमेगा 3 पे वीडियो भी बनाया था, कि आप जी। डाइट से कैसे ओमेगा 3 ले सकते हैं
और फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल ले लो, देखो कोई फर्क थोड़ा उसमें। अगर आप फिश ऑयल नहीं ले सकते, फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल ले लो, कोई भी हाँ सर, वीडियो मतलब देखोगे उसमें मैंने लिंक दे रखा है। हाँ 1 मंथ हाँ मैंने यूज किया, बट मेरे हबी ने बोला कि कंटिन्यू अगर हम कोई चीज करते हैं तो हो सकता है उसका फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने 1 मंथ का गैप दे दिया था अभी, मतलब आपकी डाइट अच्छा, में, बट अब से फिर से शुरू करने वाली हूँ, हो सकता है कहीं नहीं कमी रही, आप मैं ना नहीं कहती। ऐसा, आप 3 4 महीने यूज करने के बाद फिर आप 15 दिन का गैप दो, फिर अपना ब्रांड चेंज कर लो। तभी मैं कहता हूँ अपना ब्रांड ना आप थोड़ा चेंज कर लिया करो, ऐसा कोई ओके वो नहीं ओके है कि 1 महीना लो। हाँ क्योंकि हाँ, न्यूट्रिएंट्स तो बॉडी में जाएंगे जाएंगे ना आपके, न्यूट्रिएंट्स तो लेकिन जाएंगे मुझसे जाएंगे बॉडी में। थोड़ी सी टेंशन इसलिए हो जाती है कि 1% भी नहीं गया, मतलब ये ना बढ़ता ही जा रहा है, 1% भी कहीं फर्क नहीं पड़ रहा, अच्छे से डाइट फॉलो की अच्छा है, वर्कआउट भी खूब किया है अच्छा आपने, वर्कआउट कैसे रनिंग करती हैं आप, वर्कआउट बताएं जरा कैसे करती हैं। भी कर लेती हूँ, जॉगिंग वगैरह कर अच्छा लेती हूँ, और भैया के साथ अच्छा करती थी तब तो वो कार्डियो वगैरह भी कर लेती थी, मतलब अच्छा अच्छा वर्कआउट के लिए तो ऐसा नहीं कि मैं थोड़े लेजी हूँ, हो जाता है वर्कआउट भी और डाइट भी अच्छे से फॉलो किए, बट अगर जैसे अच्छा 2 से 3% भी फर्क आता है तो लगता है कि हाँ हो रहा है फर्क, लेकिन लास्ट अक्टूबर में मैंने आपकी आप डाइट शुरू की, कोई प्रोटीन वगैरह ले रही हैं आप? वही सर आपने जो मेंशन किया है ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वे मतलब प्रोटीन ले रही करके है ना? कुछ, हाँ हाँ ले रही जी है ना प्रोटीन, हर रोज हाँ, एक बट स्कूप लेती हैं। हाँ जी अभी छोड़ा हुआ है मैंने, बताया ना अभी 1 मंथ से लगभग अच्छा छोड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा तो आप मुझे जल्दी से अपनी डाइट बता दे फटाफट, मैं एक बार दोबारा से गो थ्रू कर हाँ लूँ। हाँ जी सर, जो आपने स्मूदी बताई उसमें ड्राई फ्रूट्स, दालचीनी, अच्छा तो पीनट बटर और अच्छा अल्सी, ये सारी चीजें डालते हैं स्मूदी बना के ब्रेकफास्ट में, वो ले लेती थी, और सुबह अच्छा में एक वो एवोकाडो जो जूस आता है वो भी कभी कभी ले लेती हूँ, ऐसा अच्छा नहीं है डेली, दही अच्छा मेरी अच्छा डाइट में होता है, सलाद होती है और सब्जी रोटी, खाना कुछ ज्यादा नहीं अच्छा खाती, इवनिंग में फिर अच्छा जैसे सलाद तो कंपलसरी कर दिया था मैंने, अब जैसे सब्जियों का पूरा सलाद बना के, रोटी कम खाती थी, रोटी और थोड़ी सी सब्जी या फिर कभी चावल, अच्छा ये चीज, अच्छा अच्छा और फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं घर पे मैं डेली वो लेती ही हूँ, ये चीज। अच्छा पनीर वगैरह लेते हो आप, दही वगैरह लेते हो? हाँ पनीर दही ये तो जैसे कहा हाँ वीकली हो जाता है, ऐसा ये कोई इशू नहीं। जो हाई प्रोटीन सोर्स है जैसे स्प्राउट्स हो गया, सोया हो जी गया, पनीर जी हो गया, इन चीजों को जरूर ऐड करें, तभी आपकी ओवरऑल एक हाई प्रोटीन डाइट होगी। और एक सुपर ग्रीन ले लें आप, सुपर ग्रीन मैंने बताया बिल्कुल, वीडियो वो बना रखा, तीन लेते हो तीन ना? 4 महीने से कंटिन्यू ले रही हूँ अच्छा सर, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बट ठीक है। सर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम ये हो जाती है, कोई सब आप कहते जिम हैं कि ज्वाइन कहीं कर ठीक सकते नहीं। हो, कोई आसपास का जिम हो हाँ तो वो ज्वाइन कर सकते हाँ हो? बट मेरा भाई बोलता है कि कुछ नहीं फर्क पड़ता जिम में, वो लोग कराते नहीं है ऐसा, इसलिए नहीं मैं नहीं नहीं जाती। आप जिम ज्वाइन करो, देखो लोग बहुत कुछ कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, कैसे नहीं पड़ता, आपकी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स मजबूत होते हैं ना, तो हर चीज में जी बैलेंस आएगा, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है, कोलाजन बूस्ट होता है आपका, सर, ओवरऑल स्किन बूस्ट होती अभी है। तो 1 मंथ बाद मुझे ससुराल जाने, मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि ग्लो बिल्कुल नहीं आया, सर सब बोल देंगे मायके में रह के इतना काला चेहरा करके आई है, बहुत टेंशन नहीं होती है दे सर। आप ना जिम ज्वाइन कर लो, आपको सीरियसली बता रहा हूँ। देखो बहुत लोगों को ना थोड़ा लेट रिजल्ट मिलता है, हर इंसान की देखो बॉडी अलग है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो जी आप सर थोड़ा सा ना, मुझे आपकी डाइट में प्रोटीन कमी कमी लग रही है, जो जो ओवरऑल डाइट है ना आपकी, उसमें जी थोड़ा सा प्रोटीन की कमी लग रही सर, है, देखो तो दूध आप तो थोड़ा। लेती हूँ, हाँ दूध लेती हूँ, अच्छा प्रोटीन A1 इसको वो हो गया मेरा, और जैसे हाँ सोयाबीन कभी कभी, ऐसा नहीं डेली तो नहीं होता मतलब, पर अच्छा दही अच्छा दही दूध और वो पनीर का स्कूप और ड्राई फ्रूट्स, ये चीज तो कंटिन्यू रहती है, अच्छा और मतलब बढ़ा चीजें ना दूंगी सर बदल बदल के भी ले, हाँ बदल बदल के ले सकते हैं कि बॉडी में जी। आप कितना वेट है आपका? सर आई थिंक 55 था शायद, अच्छा उससे ज्यादा ही होगा अच्छा कम जी से कम जी 75-80 ग्राम प्रोटीन आपको डेली बेसिस पे चाहिए, ठीक है? तो जी 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 बस जी फॉलो करते रहे बस, और इसको देखो ये कोई इलाज है नहीं, आपको बताऊंगा बिल्कुल सर, अगर ना आप मैं चले आप जाओ यकीन डॉक्टर नहीं के पास। करोगे हाँ सर, मैंने 3 4 दिन से कंटिन्यू आपकी हर चीज, आपने अभी लास्ट वो डाला था आपका पिगमेंटेशन का, वो मैंने पूरा वो वीडियो देखा कि सर का गया तो यार हमारा भी अच्छा जाना ही चाहिए, तो अच्छा इसलिए मैं अच्छा कंटिन्यू फॉलो करके बार बार वीडियो देख के कहाँ मेरी डाइट में कमी है, तो डेफिनेटली बस एक बार बात करके थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ चलो हो जाएगा सही। ठीक अच्छा आपका है कोई सर, दवाई चल रही है, दवाई चल रही है नो आपकी कोई? नो सर, नो सर, अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। तो आप ना, आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आप जिम ज्वाइन कर लो और थोड़ा सा ओके प्रोटीन सर का कंटेंट और बढ़ा दो आप, ठीक है? और जी फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल ले लेना, आप कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, ठीक है सर, थैंक यू सो चलिए मच, अब चलिए मैं भाई, बिल्कुल जब ओके ठीक हो जाएगा ना तभी आपसे बात करूंगी, थैंक यू सो मच ठीक है सर, ओके, थैंक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोहित कांबले जी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया था, कोई भी मुझे क्लिक कर सकता है, दोबारा डालता हूँ लिंक, कोई भी मुझसे डायरेक्ट बात कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है ये वाला, ठीक है? इस लिंक पे क्लिक करना है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कह रहा हूँ, ये लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाला, कमेंट में जाओ, मेरा कमेंट पढ़ो और इस वाले लिंक पे क्लिक करो, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है? मैं उसमें भी डाल दूँ क्या? रुक जा, तो मैंने ये लिंक डाल दिया है, इस वाले लिंक पे क्लिक करें। वेट गेन कैसे करें? देखो, वेट गेन के लिए मैंने हेल्दी साइरस स्मूदी बताई है, उस स्मूदी को 2 बार लें, और वर्कआउट करना जरूरी है। जब आप ज्यादा वर्कआउट करो, आई मीन वर्कआउट करोगे तो बॉडी अपने आप आपसे ज्यादा खाना मांगेगी, आप ज्यादा खाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? मेरा वेट 55 है, 100 ग्राम प्रोटीन, क्या ये हाई प्रोटीन में है? बिल्कुल हाई प्रोटीन डाइट है, 80 ग्राम प्रोटीन भी आप लेते हैं विजय, तो इट्स फाइन, 80 ग्राम प्रोटीन भी काफी है आपके लिए। और मैं जिम भी करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, अगर करते हो तो कोई बात नहीं, इट्स अ हाई प्रोटीन डाइट डेफिनेटली। ओह अच्छा जी, किसको पागल कह रहे हो आप? टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे बढ़ाएं, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है दोस्त, मेरा एक वीडियो जरूर देखें। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट रुको। हेलो, हाँ अब आ रही, अब आ रही, हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही। नमस्ते जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं पंचकुला हरियाणा से। सर अच्छा, हाँ जी, पूछे क्या सवाल आपका? मेरे फेस पे छोटे छोटे दाने हैं, ये देखेंगे अगर आप तो। अच्छा, अच्छा इवन फोरहेड पे और ओपन अच्छा पोर्स भी हैं, तो काफी अच्छा ट्रीटमेंट लिया मैंने और डॉक्टर से, तो जब भी मैं मतलब लेती हूँ ट्रीटमेंट तो वो थोड़े टाइम के लिए जब तक मेडिसिन है वो कम हो जाते हैं लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं होते हैं, और देखिए, वो फिर ना दोबारा से। टेम्प्रेरी इलाज है, वो टेम्प्रेरी इलाज है। आप वर्कआउट वगैरह करती हैं? फिजिकल एक्टिविटी कैसी है आपकी? मैं वॉकिंग करती हूँ और घर में थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ मैं। अच्छा, देखो, 1 घंटा वॉक डेली बेसिस पे करो, थोड़ा फास्ट आप वॉक करा करो, मेक श्योर के बॉडी से पसीना आना जरूरी है, ठीक है? पसीना आए तो, बिल्कुल। और डाइट फॉलो कर रही हैं? डाइट सर, एक्चुअली मैंने अभी आपका चैनल जो है एक्सप्लोर किया तो अभी अच्छा मेरे को अच्छा इतना डाइट का भी पता नहीं चला। अच्छा कोई बात नहीं, अब मेरा हेल्दी साइरस डाइट, ये 3 वर्ड डाल देंगी आप यूट्यूब के सर्च में, वीडियो मिल जाएगा हेल्दी साइरस डाइट, और उसको फॉलो करें और वर्कआउट को कंटिन्यू रखें, पसीना बॉडी से आना जरूरी है, ठीक है? ये ठीक हो जाएंगे बस आपके, ठीक सर ये है वैसे जी? ठीक हो जाती है? हाँ बिल्कुल, देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हल तो होता ही है ना, डाइट जो है वो सब कुछ फिक्स कर देती है, ठीक है? बस आपको एक्चुअली खुश रहना है, वर्कआउट करना है, डाइट फॉलो करनी है। सर मैं 2-3 डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, वो मेरे फेस पे ही बोल देते कि ये ठीक नहीं होने वाला। देखिए, मलाजमा का भी कोई इलाज नहीं है, वो भी डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, नहीं ठीक होने वाला, तो लेकिन फिर भी ठीक तो होता ही है ना, तो आप बस डाइट बिल्कुल फॉलो करें और हो जाएगा ठीक, ठीक है जी? चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अपना अपना ख्याल रखें जी। पूजा सैनी जी आ जाएं, किरण कोहली जी आप भी बने रहें, आपको मैं लाइव लेता हूँ। हेलो, अच्छा, चलो इनको ला। हेलो, नमस्ते, हाँ हेलो, नमस्ते सर। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से आपसे दिल्ली से, बात की थी अच्छा मैंने पहले, एक बार पहले दिल्ली अच्छा हाँ जी, पूछे क्या सवाल आपका? द्वारका से। सर एक साल हो गया ठीक नहीं हो रहा है, जिम भी जा रही हूँ आजकल, दिख रहा होगा। जिम आजकल जा रही हो या 1 साल से जा रही हो? 1 साल से नहीं, मैं अभी 1 मंथ से जा रही हूँ, पूरा डाइट फॉलो करती हूँ आपका। देखो, मैंने बोला है जिम वर्कआउट करना कंपलसरी है, तो अभी आपने 1 महीने से वर्कआउट किया ना, इसको रेगुलर बेसिस पे करें, देखें, ठीक है? और नहीं, बोलो बोलो बोलो। तो मैं पहले जुलाई से किया तो 2-3 महीना शायद ढंग से हुआ नहीं, तो मैंने जनवरी से किया, उसके बाद नहीं अच्छा, दिसंबर से किया है, 1 साल हो गया है, 1 साल हो जाएगा वैसे, 1 साल से ज्यादा ही हो गया जुलाई से लगाऊं तो हिसाब। लेकिन अभी कोई, मैं सितंबर से मैं जिम भी ज्वाइन किया, पूरा 1 महीना हो गया अच्छा देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप जिम को रेगुलर बेसिस पे करें, जिम करना है। कंपलसरी है, वर्कआउट करना कंपलसरी है, अभी आपने 1 महीने से शुरू किया, तो फिर हर चीज ना बैलेंस कनेक्टेड होती है, तो आप वर्कआउट रेगुलर करें, और डाइट बताएं सर अपनी क्या क्या ले रही हैं, जल्दी से बता दे डाइट अपनी फटाफट, अभी पता हाँ लग ठीक जाएगा। है, ठीक है सर। मैं सुबह उठती हूँ तो 2 गिलास या 1 गिलास पानी पीती हूँ, या कभी 1 कप ग्रीन टी भी पीती हूँ। उसके बाद सर मैं अच्छा चाय पीती हूँ, चाय पीती हूँ सुबह और शाम को, 2 टाइम तो चाय छूटता नहीं है, वो चाय पीती हूँ। तो उसके बाद कभी एक एप्पल खा लिया या स्मूदी लेती हूँ, फिर उसके बाद जो आपने बताया है, एक या दो अच्छा बनाना डाल के उसमें चिया सीड, सिनेमन पाउडर और क्या बोलते हैं फ्लैक्स सीड, बिल्कुल, ये ड्राई फ्रूट सब डाल के, तो मैं वो स्मूदी बना के वो पी लेती हूँ।
उसके बाद दोपहर में अच्छा मैं दाल चावल ले लेती हूँ, दही दही लेती हूँ रेगुलर, और सैलेड लेती हूँ 1 प्लेट, और अच्छा शाम को चाय लेती हूँ, या चाय के साथ कभी पीनट ले लेती हूँ, कभी या वो बादाम ले लेती हूँ शाम को 5 बजे या 4 बजे ऐसे। आजकल तो जिम जाती हूँ तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, ऐसी चली जाती हूँ कुछ या केला अच्छा या एप्पल खाके शाम को। उसके बाद अच्छा अच्छा शाम को फिर वही 1 या 2 रोटी खाती हूँ मैं, और सलाद अच्छा अच्छा देखिए, आपकी ना डाइट में ना प्रोटीन की बड़ी नाइट कमी है, प्रोटीन में। मल्टीविटामिन भी की। लेती हूँ, स्प्राउट भी लेती हूँ, सोया चंक्स भी अच्छा लेती हूँ, क्या बोलते हैं, फिश ऑयल भी लेती हूँ। अब आप बताइए क्या क्या कमी। सोया चंक्स को डेली लेना आपने, ठीक है, डेली लो हाँ सोया मैं चंक्स। दाल और खाती हूँ, एक मैं दाल को अभी भी मैंने वो सोया चंक्स डाले हुए हैं दाल दाल में भी मिला। और आप ना एक प्रोटीन ले लो प्लीज, प्रोटीन जो नहीं मैंने सर, बताया ना, प्रोटीन भी होती हूँ, मैं आपको बता तो रही, कौन स्मूदी में डाल के कौन। लेती हूँ, वे अच्छा प्रोटीन अच्छा लेती हूँ, जो आपने बताया था अच्छा वही अच्छा लेती हूँ। हाँ तो आप ऐसा करना, मल्टी वाइटामिन की जगह पे आप सुपर ग्रीन ले लेना। जब मल्टी वाइटामिन खत्म हो ना, आप सुपर ग्रीन ले लेना, ठीक है। और ओके इतना अच्छे से वर्कआउट करो कि पसीना आना बहुत जरूरी है आपकी बॉडी से, ठीक है, अच्छे से पसीना, हाँ पसीना आना पसीना बहुत चाहिए। आता है। अभी वहां जब से जिम गई तो जो जिम वाला मुझे ट्रेनर बोलता है कि आप केला मत खाओ, तो मैं उसका नहीं मान के, बल्कि आपने जो बताया वही केला स्मूदी डाल के मैं आप डाल के वो खाओ बनाती खाओ, हूँ। कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वो नहीं, आप मुझे खाओ बोलता है बिल्कुल। आपको पेट कम करना है तो बोलता है उबाल के सुबह वो चने उले लो या स्प्राउट ले लो, स्मूदी मत पियो बोलता है, इससे तो वेट गेन होगा। मैंने कहा इतना भी मुझे पतला नहीं होना है, ऐसे बोली मैं, क्योंकि मैं इतनी ठीक मोटी तो हूँ नहीं। वो मुझे बोलता है पेट निकला हुआ है तो आपको पतला होना है, तो स्प्राउट लो, अच्छा उबले चने लो, दूध बिल्कुल मतलब बोलता है। मैंने कहा मैं दूध, मैं हल्का दूध या पानी मिला के स्मूदी लेती हूँ, बोलता है नहीं दूध नहीं लेना तुमको, ऐसे मुझे बोलता है। और डेली चिकन लेने को बोलता है, चिकन डेली ले सकते हैं क्या सर? डेली मुझे इतना अच्छा नहीं हाँ, लगता चिकन, ले पनीर नहीं ले सकते हैं, चिकन का कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी भी है कि लेती जो हूँ। आप, ठीक है, बस ये है कि आप रेगुलर वर्कआउट करो और खूब सारा पानी पिया करो, कोकोनट वाटर पिया करो। नारियल पानी मिलता है वहां पे आपके? हाँ कभी कभार मिलता है तो कभी कभार मैं ले लेती हूँ अच्छा ऐसा। मौसमी का जूस भी मैंने सुबह, बीच में नारियल का ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो मैं मौसमी का भी अच्छा लेती थी। ठीक है हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, उसका तो चलेगा, सॉरी, बस वो ठीक वर्कआउट होगा तो ना, वो कंटिन्यू किसी की रहता है। वजह से सोचती हूँ कभी ठीक होगा नहीं होगा, ये टेंशन जैसा लगा अरे हो रहता है, जाएगा, क्योंकि 1 साल से देखो ज्यादा हो गया इसका इलाज है नहीं, आपको बताऊं, ठीक है। तो ना। हाँ ये डाइट से ही सर, ठीक होगा। देखो वर्कआउट अब आपने ज्वाइन किया ना, तो अब पक्का रिजल्ट मिलेगा, बस रेगुलर रहना आप वर्कआउट में, ठीक है। शुरू शुरू में लोग हाँ छोड़ देते हैं जिम, रेगुलर रहो अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ वही मेरे हस्बैंड मुझे बोले चलो जिम, वो भी मेरे साथ आते हैं जिम, मेरी वजह से वो उन्होंने भी ज्वाइन किया जिम, ताकि इसका ठीक हो जाएगा। एग भी लेती हूँ सर, डेली 2 एग भी अच्छा लेती हूँ, और मुझे बोलता बहुत, है कि अंदर वाला निकाल देना तब खाना, नहीं मुझे नहीं नहीं बोलता है। तो नहीं नहीं फुल मैं, एग आप खाना जो आपने, हाँ आपने बोला तो मैं 2 एग फुल लेती हूँ, तो बोलता है नहीं ठीक आप है ठीक अंदर है, का निकाल के बाहर का बस खाया करो, मुझे बोलता है। तो हाँ इसलिए मैंने चलो सोचा कोई आपसे नहीं, पूछ लेती हूँ एक टाइम ना क्या नहीं खाना। फुल अंडा खाना है, फुल अंडा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको पतला करने में लगा हुआ है, ठीक है। आपको तो मेन है कि पतली हेल्दी तो रहना है। मैं हूं नहीं सर, देखो इतनी पतली तो पता नहीं कितना पतला कर रहे चलिए ठीक है, हो मुझे ज्यादा पतला नहीं होना है, वो तो मैं थोड़ा अच्छा स्किन का इशू है तभी मैंने ज्वाइन किया, उसको बोला नहीं, बोलता पहले आपको पतला होना होगा तब जाके ये सब इशू ठीक होगा बोलता है मुझे। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, बस ऐसे ही रेगुलर रहना आपने, ठीक है जी। चलिए हल्का मैं तो हुआ किसी है और को थोड़ा, लग, पहले डार्क था लेकिन बस वही मतलब ठीक नहीं हो रहा है, हल्का अच्छा चलिए कोई है। बात नहीं, ठीक हो जाएगा आपका। चलिए मैं किसी और को ला ही ओके लेता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके हेलो तुलसी रॉयल जी, नमस्ते। हेलो, हेलो, नमस्कार हाँ जी नमस्कार, नमस्ते कहाँ सर। से बोल रहे हैं आप? मैं राजस्थान से, राजस्थान नागौर राजस्थान, जिले से बोल रहा हूँ अच्छा आपसे मेरी सर। पहले बात हाँ हुई जी है सर। कभी? सर मेरी अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक, नहीं, सर फर्स्ट बार ही बात है सर। मेरी अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है, पूछे। बाकी तो मेरे पहले बहुत सारे चेहरे पर एक ने थे, अब ठीक हो गए हैं, लेकिन मेरी नाक है ना, नोच पे, यहाँ पर ये परमानेंट हो गए हैं, ये नहीं हटते सर, यहाँ से है ना, ये वाले परमानेंट, क्या हो ये गए हैं यहाँ से बताएं, नहीं मतलब हटते। मतलब पिगमेंटेशन है क्या है, कि मुझे दिख नहीं जाती है ये अभी। एक ने टाइप में है, पिगमेंटेशन नहीं, अच्छा एक ने अच्छा टाइप में है, मवाद अच्छा निकलता अच्छा व्हाइट व्हाइट अंदर आपकी से। आपकी उम्र कितनी है?
आपकी सर उम्र मेरी कितनी है? उम्र तो कम है, लेकिन मेरी जो आप शक्ल देख, कितनी है मेरी वो 26 साल बता उम्र है दीजिए। सर, छब्बीस अच्छा, छब्बीस छब्बीस कम साल का मतलब, 26 साल सर। नहीं अच्छा अच्छा ठीक है। आप देखो खूबसूरत पानी लेकिन पिया मेरी करो। दिखती ज्यादा है सर, मैं ऐसे लगता हूँ ज्यादा देखती सब अच्छा लगता हूँ। अच्छा कोई नहीं बात सर, नहीं, आपको मैं आप रेगुलर रोज खूबसूरत वीडियो देखता पानी हूँ, आपके पिया। सब डाइट आइट फॉलो करता हूँ। नहीं, आप पानी पिया करो, खूबसूरत कोकोनट वाटर पिया करो खाली पेट, ठीक है? और वर्कआउट करते हो कि नहीं करते हो? वर्कआउट करते हैं मैं आप? सर बाकी तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन रनिंग करता हूँ सुबह, रनिंग अच्छा, ठीक है। तो मेक कर पा श्योर रहा आप हूँ सर। ना, अच्छा डाइट को अच्छे से फॉलो करो, ठीक है? डाइट बताओ जरा क्या क्या लेते हैं, सर फटाफट डाइट बता दो में अपनी यह बात है कि मॉर्निंग से। मेरे डाइट में नहीं हो पाता सर, फल फ्रूट नहीं मिलते मेरे गांव में, रहता हूँ मैं यहाँ पे, तो अच्छा देखो बाकी फल फ्रूट वेजिटेरियन से ही हूँ तो तो यह बात गांव सारे की सर। सारे एंटीऑक्सीडेंट्स तो फल फ्रूट से ही आएंगे, तो वो तो गांव में क्यों नहीं मिलते? गांव में तो बहुत अच्छे मिलते हैं खेते। मतलब गांव में तो उपजाऊ नहीं आप, होते ना, तो ये बात है, ये बात अच्छा देखो अब डाइट जो तो अवेलेबल फॉलो होते हैं करनी उनमें से जैसे पड़ेगी। केले हो गए, हाँ अच्छा ठीक है। ये सर सलाद ये वगैरह नाक वाला लेते हो कि नाक नहीं? से मेरे ज्यादा नहीं, सलाद नहीं ले सलाद वगैरह पाता हूँ लेते सर, हो तो फिर नहीं नहीं जाएगा। ले अच्छा पाता आपको हूँ सिंपल बताऊं, फ्रूट सैलेड नहीं खाओगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि यही तो सफा करेंगे आपको अंदर से, ठीक है? तो आप सर। प्लीज मेरी आप है ना दिक्कत, इसको, मैं वो सर मैं ना एक बार रूप मंत्रा नहीं आती, वो क्रीम आती ना सर, वो यूज ले ली, अरे क्रीम उसके बाद में मेरा मत लगाया पेरा करो पूरा चेहरा जल गया। ये। अरे वो हाँ पहले आपकी आपसे बात नहीं हुई थी, जो नॉलेज नहीं था तो मेरा ये हो गया था। चलो आप मेरी बस डाइट फॉलो करो, सलाद फ्रूट के बिना नहीं जाएगा, ठीक है तुलसी जी? चलिए अपना ख्याल रखिए, मैं किसी और को लाई लेता हूँ। नमस्ते। हाय नमस्ते सर, हाय, थैंक नमस्ते जी, यू कहाँ से बोल सो रही हैं मच। आप, मैं कहाँ से बोल रही हैं? आसाम से, आसाम से, अच्छा अच्छा, असम से। मेरा बहुत मन है असम आने का, मेरी एक फ्रेंड भी रहती है, मुझे बुला ओके रही थी सर, कि असम आ जाओ। ठीक ओके सर, वेलकम है वेलकम, आ जाइएगा। ठीक है जी, ये पूछे क्या सवाल आपका। है कि मैंने आपका तो जिस दिन से आपका ये क्या वीडियो देखा, उस तो दिन से आपका डाइट स्टॉप कर दिया मैंने। तो अच्छा आपने जो ये जी दिया था ना, ये वाला मैं यूज जी कर रही हूँ 1 सप्ताह से। अच्छा तो मेरा ठीक है लगभग, मेरा पहले से ही कुछ ये पिगमेंटेशन या वगैरह कुछ है नहीं, तो स्किन अच्छा ग्लो हो रहा है, बट टमी थोड़ा थोड़ा बड़ा है, लेकिन जॉगिंग वॉगिंग कर रही हूँ घर से, मैं कोई जिम नहीं अच्छा जाती। और अच्छा मतलब क्या है, मतलब ये देखिए ना, इधर यहाँ पर ये फूल रहा है, मतलब क्या हो अच्छा बोलते पता नहीं। अच्छा आई बैग्स हो रहा है ना। और मैंने डॉक्टर, हाँ जी हाँ जी, और मेरा ये जो है ना हेयर, 3 साल पहले, अभी 4 साल डालिंग हुआ है, तो मेरा बहुत पिंपल्स अच्छा था पहले। तो मैं दवाई अच्छा खा लिया, तो डॉक्टर ने गलत ये दे दिया, हाई पावर का। तो तब से मेरा बाल झड़ रहा है, मतलब अच्छा पहले अच्छा साल तो झड़ा नहीं था। उसके बाद पकने लगा, मेरा बाल सफेद होने लगा। तो नेचुरली अच्छा मैंने कुछ किया, तो उसके बाद क्या हुआ है, अभी 1 साल से, लगभग 1 साल से इतना बाल झड़ रहा है, तो कोई मतलब सब कुछ कर लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा फिर आपका दाँत फॉलो कर रही हूँ, उसके बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा सर, तो अच्छा डाइट क्या फॉलो करते कितना वक्त हो गया आपको, डाइट कब से फॉलो कर रही हैं? कंटिन्यू 2.5 हो गया मंथ कंटिन्यू हाँ कर देखिए रही आप हूँ। ना इसको रेगुलर रखो डाइट को, अपनी डाइट में प्रोटीन भी ले लो आप, ओमेगा 3 ले लिया आपने, और एक सुपर ग्रीन भी ले लेना आप, ठीक है सुपर ग्रीन ले लेना। हाँ वो मेरा कोई तो भी वीडियो देखोगे आपको मुझे, लिंक मिल जाएगा। हाँ लगभग आधा तो मैंने देख लिया है, तो सुपर हाँ ग्रीन वाला तो आप हाँ सुपर ग्रीन और वे नहीं प्रोटीन, ये दो चीजें आप ऐड करो, और थोड़ा पेशेंस रखो। देखो कईयों को ना रिजल्ट में टाइम लग जाता है, मुझे 6 महीने लग गए थे रिजल्ट में, तो आपको भी 2 2.5 महीने हो गए हैं, तो ऐसे ही फॉलो करो, ये ठीक हो जाएगा। इसका अच्छे से डाइट फॉलो करो, वर्कआउट भी करते रहो साथ में, ठीक है। हाँ वो बहुत कर रही हूँ सर। जिम नहीं जाने से भी चलेगा ना, मैं घर में ही कर लेती हूँ। देखो जिम अगर जा देखो जिम घर में नहीं होता, आपको बताऊं ये कहने की बातें होती हैं, ठीक है। अच्छा ये, जिम का अपना हाँ एक अलग, अगर जिम जाओगी तो जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक सर, है। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पेशेंस बस रखें। हाँ ये एज थोड़ा हाँ कम हो जाए, तो जैसे लग रही हूँ कि हाँ एज के हिसाब से बड़ा बुढ़ी लग रही हूँ, जैसे 40 इयर्स हो गया ऐसे लग अच्छा रही हूँ, पता नहीं तो क्यों। फिर आप ऐसा करो, पक्का से जिम ज्वाइन कर लो, स्किन में थोड़ी टाइटनेस अच्छा आ जी, जाएगी, आपका कोलाजन बिल्ड होगा अच्छे से, ठीक है। जिम ज्वाइन कर लो, जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा आपका, और अच्छे से सोया करो, और टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे उठा करो आप। हाँ जी, मैं तो डाइट में ये करती हूँ सर, पनीर ही ना, वो टमेटो के साथ जो आपने सलाद दिया है, तो मैं बार बार ये नहीं करती, तो एक ही साथ मैं पनीर भी डाल लेती हूँ
और टमाटो भी ठीक है डाल ठीक लेती है हूँ, प्याज भी डाल लेती हूँ, सब हो जाएगा ना एक ही साथ डालने पर, उबल ठीक है ठीक है। थोड़ी आएगा हरी ब्रेकफास्ट पत्तेदार के बाद। या हरी पत्तेदार सब्जियां भी ऐड करो थोड़ी सी, ठीक है। क्या अच्छा, वो सूप बनाकर पीने से चलेगा क्या? सब चीज? सब्जी पत्ते वाले सूप बनाकर हाँ हाँ जैसे हाँ बॉईल बिल्कुल बिल्कुल। सूप किया। बना लो, स्मूदी बना लो, स्मूदी सबसे अच्छा है। स्मूदी बना लो मिक्सी में डाल के, तो अच्छा सा अच्छा काला नमक डाल के बना के पी लो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, बस पेशेंस रखें आप, एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा, 2 महीने 2.5 महीने हुए हैं, तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है जी, चलिए और एक अपना ख्याल आपका रखें आप। रिक्वेस्ट, हाँ हाँ जी जी हाँ सर जी प्लीज, एक और रिक्वेस्ट है। आपने सब कुछ तो हाँ बता जी दिया, और जिम के बारे में जो एक्सरसाइज, मतलब जो लोग जिम नहीं जा पाते या बाहर नहीं जा, एक तो तम्मी के लिए एक मतलब वीडियो बना दीजिएगा कैसे तम्मी अच्छा कम अच्छा करता है ठीक है। जिम अच्छा एक्सरसाइज करके। तो मेरे फ्रेंड्स भी बोल अच्छा रहे थे, मैं आपको आपके बारे में सबको बताया था, तो बोले कि अच्छा हाँ अच्छा ऐसा, तो उन लोगों ने भी फॉलो कर रहे हैं आपको, तो बोले अच्छा अच्छा सबका वो डिमांड है कि आपको मैं बोलूँ, तो भगवान से अच्छा आप तो मिल गए हो तो आपको ठीक है बता ठीक रही हूँ। है। चलो और थैंक यू असम सो आइन मच। का बिल्कुल तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, तो मैं आपको वेलकम हाँ कर जी लूंगी, आना ठीक है, जरूर बात। थैंक यू। चलिए बाय थैंक यू बाय, सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हेलो नमस्ते। हाँ जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं फाल्गुनी जोशी पिछले मुंबई से। तो मुंबई से। हाँ जी पूछे क्या सर सवाल आपने। पिछले 4 साल, सर मेरा सवाल है, मुझे पिछले 4 साल से मतलब बटरफ्लाई जैसे पिगमेंटेशन हो गया है। तभी 3 दिन से मैंने मतलब आपका देख के डाइट फॉलो शुरू किया है। तो एक्चुअली मैं अच्छा वेजिटेरियन हूँ, तो मतलब कुछ ऑयल नहीं ले सकती हूँ, तो उसके अलावा कुछ आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ? सर देखो मैंने डाइट आप देख सकते हैं वेजिटेरियन ही क्योंकि बता पिछले रखी है, मैंने डाइट। मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, जितने लोगों का ठीक हुआ है ना, सबका जितने लोगों का हाँ ठीक हुआ है वो डाइट से ही ठीक हुआ है। ठीक है, तो चिकन नॉन वेज लेना कंपलसरी ओके नहीं है, ठीक है, तो आप डाइट फॉलो करें। ओके। और फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी कैसी है आपकी? वॉक वगैरह करती हैं डेली? सर मैं इवनिंग में नीचे वॉक करने के लिए जाती हूँ, 1 घंटा 7 से 8। अच्छा, ठीक है, तो आप डाइट फॉलो हेलो, करें। मेरा कोई भी वीडियो मेरा वीडियो देखेंगी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरा डाइट फॉलो करें, आपका हो जाएगा। ठीक है जी, हेलो नमस्ते। हाँ हेलो नमस्ते सर, मैं सुनीता बरेली से बोल रही हूँ। एक्चुअली सर जी मेरे हाँ जी, फेस में मीलिया हो रहे हैं, छोटे छोटे दाने टाइप के। मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाए अच्छा बट कोई नहीं हुआ है, तो आप कुछ बताइए कौन सी अच्छा डाइट किस तरह से। देखिए आप, मेरा एक ही डाइट, देखिए किसी भी अलग अलग प्रॉब्लम के लिए ना अलग अलग डाइट नहीं आती है, इस जी बात को सर, समझें। ठीक है, एक ही जी हेल्दी डाइट चाहिए होती है जो बैलेंस कर देती है। आप मेरा जी वीडियो है हेल्दी हेल्दी साइरस डाइट, वो फॉलो जी करें। सर आप यूट्यूब में डालें हेल्दी साइरस डाइट, ठीक है, ये 3 वर्ड जी डालेंगे मेरा वीडियो मिल जाएगा। और आपका फिजिकल एक्टिविटी कैसी है आपकी? वर्कआउट एक्चुअली सर मैं वगैरह नाइट करती हैं? वॉक, नहीं सर मॉर्निंग में तो नहीं हो पाता, बट नाइट में वॉक करती हूँ 1 घंटे। हाँ एक घंटा वॉक करना कंपलसरी है, ठीक है बस। जी हाँ, सर, तो और स्ट्रेस वगैरह तो नहीं लेती है किसी चीज से? नहीं सर स्ट्रेस तो नहीं स्ट्रेस है? तो नहीं है, नहीं सर, अच्छा चलो बस ठीक है, ये कोई थोड़ी बात सी नहीं। प्रॉब्लम से आप ठीक हो जाए। हाँ ठीक है, आप ये डाइट फॉलो करें हेल्दी साइरस डाइट, ये ठीक हो जी जाएगा। ठीक जी है जी, चलिए ठीक, थैंक यू सर। अपना ख्याल रखें। ओके जी, थैंक यू, नमस्ते जी। हेलो सर, हाँ जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं अलीगढ़ यूपी से बात कर रही हूँ आपसे। हाँ जी पूछिए क्या सवाल आपका। सर एक्चुअली ये मेरे फ्रैकल्स हैं और ये मेलाज्मा है, ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत ज्यादा दिखते हैं ये, बाहर अच्छा जाती हूँ तो बहुत ज्यादा दिखते हैं। मैंने एक वो ली थी, किट ली थी, स्किन ग्राफ्ट का ट्रीटमेंट लिया था मैंने 5 6 महीने तक, लेकिन उससे अच्छा मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा। वो ठीक है। लोग बोलते देखिए हैं ये हो जाएगा हो फ्रैकल्स होते जाएगा। हैं, ये फ्रैकल्स मेलाज्मा पिगमेंट, इसका कोई इलाज नहीं है आपको बताऊं, ठीक है। तो आप डाइट फॉलो कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? तो ठीक है, हेल्दी आप साइरस जो डाइट, कहेंगे मैं वो। ये 3 वर्ड डालें यूट्यूब के सर्च में, मेरा वीडियो मिल जाएगा। हेलो, डाइट फॉलो करें और वर्कआउट करें। हेलो आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ सर मैंने 2 3 दिन, हाँ आई थिंक 4 5 दिन हो गए मैं आपका ही डाइट फॉलो कर रही हूँ। ये फ्लैक्स सीड्स वगैरह और चिया सीड्स और स्मूदी ये सब मैंने लेना शुरू कर दिया है, 6 7 दिन हो अच्छा गए अच्छा मुझे ये सब फॉलो करते हुए। तो पेशेंस रखें, देखिए 6 महीने मिनिमम लगेंगे आपको, 6 महीने लगेंगे, पेशेंस रखें, ठीक हो जाएगा। ठीक है, बस डाइट फॉलो करें और वर्कआउट करें। हेलो नमस्ते, हाय।
हेलो सर जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। कहाँ से बोल बहुत रहे दिनों हैं? से मैं आप मैं महाराष्ट्र लातूर से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, पूछे क्या सवाल आपका सर, एक्चुअली मैं बहुत दिनों से आपका वीडियोस देखता था और अच्छा भी लगता था जब आप बात करते हो, सब चीजें अच्छी लगती थी। लेकिन दिक्कत ये है सर, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, मुझे 1-7 साल से हो गया सर, एक छोटा सा धब्बा था यहाँ पर, मुझे लगता है इस साइड से था छोटा सा धब्बा, वो थोड़ा सा ऐसे बढ़ गया है और ये ऐसे फैल रहा है। अब ये इधर से भी सर ये ऐसे बढ़ गया है और थोड़ा सा नाक पर भी है और ये आंख के नीचे ने ऐसे पूरा ऐसे ही हुआ, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ही। तो क्या करना चाहिए? मैं आपका डाइट भी देख रहा था सर, अभी मैंने वो फ्लैक्सी सॉरी क्या बोलते उसको, फिश ऑयल और विटामिन मंगवाए अभी अभी, अच्छा और मैं चाहता हूँ सतीश कि अभी जी, आपका। इसका ना आपको बताऊं, इसका कोई इलाज नहीं है। कोई डॉक्टर, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। बस आपको डाइट फॉलो करनी है, वर्कआउट करना है। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं? कर सकता हूँ सर जिम? हाँ ठीक है, जिम ज्वाइन कर लो। और मेरी जो डाइट है, हेल्दी साइरस डाइट, ये 3 वर्ड डालोगे सर्च में, आपको वीडियो मिल जाएगा। ये 2 चीजें करनी है बस आपने, और पेशेंस रखे। मेरा 6 महीनों में 80% चला गया था पिगमेंटेशन, केवल 6 महीनों में, ठीक है? तो आप पेशेंस रखें, डाइट को अच्छे से फॉलो करें, ठीक है? खुश रहें लाइफ में, फ्रूट सैलेड, ड्राई फ्रूट, ये चीजें ऐड करें। और एक हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। जहां पे आपको कमी लगे तो सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं आप, ठीक है? प्रोटीन मंगा लो आप, सर एक सुपर ग्रीन ले लो। हाँ बोलिए। जी सर, आपने एक जो प्रोटीन वाला जो सुबह सुबह जो वीडियो बनाया था, वो मतलब सत्तू का, फ्लैक्स सीड्स का, मैं चाहता हूँ कि मैं वो नेचुरली हो सकता है, तो मैं क्या मैं वो ले सकता हूँ, या प्रोटीन हाँ अगर मैं बिल्कुल वहां से बिल्कुल। मंगाऊँ? एक्चुअली क्या होता है ना कि ओवरऑल आपका वजन कितना है, आपका वेट कितना है आपका? सर मेरे हाइट है 6 फीट हाइट है सर, नहीं, वेट और बताओ, वेट बताओ, हाँ वेट वेट मेरा कितना है? 70 kg है सर ठीक है, आपको 100 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है? अब कैसे करनी जी। है आप देखें, उसको डाइट फॉलो करें। और डाइट में अगर कहीं कमी लगे तो सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है आप, ठीक है? मैं तो कहूंगा आप जिम ज्वाइन कर लो, एक वे प्रोटीन भी ले लो साथ में, ठीक है? 1 स्कूप लेना, बाकी जी आपकी डाइट है। ये ठीक हो जाएगा 6 महीने के अंदर, एकदम ठीक हो जाएगा। बस ये डिपेंड करता है कि आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। आप रेगुलर डाइट फॉलो करें, रेगुलरली वर्कआउट करें, बस और कुछ नहीं है इसका इलाज, ठीक है? तो पूरा तो क्लियर हो वीडियो एक जाएगा बार सर देख लें, बिल्कुल हो जाएगा। देखो मेरा क्लियर हो गया, मेरा चेहरा पहले जी देखते तो जी पहचान नहीं पाते आप मुझे। मेरे हजारों जी फॉलोअर सर हैं जिनका ठीक हो गया ना, हजारों लोगों का ठीक हो गया, तो जी आपका कैसे नहीं ठीक होगा? बिल्कुल जी ठीक सर हो जाए, जी बस आप पे, ये आप पे डिपेंड करता है, आपके हाथ में है ये ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है? अब तक तो मैंने जिम ज्वाइन नहीं की सर। मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग आधा घंटा और इवनिंग आधा घंटा वॉक करता हूँ, लेकिन अब आपके शब्दों से लगता है अब जिम ज्वाइन करना चाहिए। नहीं बिल्कुल करें। क्या होता है ना, देखो हर चीज बैलेंस हो। अगर कोई और भी प्रॉब्लम होगी ना बॉडी में आपको, जो हमें पता नहीं होता, वो भी चीजें ठीक हो जाती हैं। देखो आपकी जी सर बॉडी ना खुद ही एक डॉक्टर है। अगर आपने वर्कआउट किया, डाइट फॉलो की, हर चीज अपने आप बैलेंस हो जाएगी, ठीक है? तो बस आप जी सर करें, और टेंशन ना ले, रेगुलर जाएं, और देखना ये कैसे छू मंतर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, जी सर जी सर ठीक है? थैंक यू सर, चलिए थैंक यू बहुत सो बहुत मच, शुक्रिया, आप बहुत लाइव अच्छा आए, लगा अपना बात ख्याल करके। रखें। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू यू सो जी। मच। ओके थैंक यू जी। चलो दोस्तों, हमारा 1 घंटे से ज्यादा ही सेशन हो गया है, 1 घंटा 5 मिनट। अब मैं फ्राइडे वाले दिन इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा। हेल्दी साइरस मेरी आईडी है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी मुझसे जुड़ सकता है। हेल्दी साइरस करके आईडी है मेरी, ये वाली आईडी है, देखो ये हेल्दी साइरस आईडी है। इंस्टाग्राम पे मैं फ्राइडे को रात को 8 बजे लाइव आता हूँ, ठीक है? आप तर्कशील भारत कह रहे हैं, कैसे कनेक्ट करें? इंस्टाग्राम पे आ जाएं, फ्राइडे को रात को 8 बजे मैं लाइव आता हूँ। ये मेरी क्या, हाँ ये आईडी है मेरी इंस्टाग्राम की, हेल्दी साइरस, ठीक है? इंस्टाग्राम पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, डाइट फॉलो करें, वर्कआउट करें, और खुश रहें जिंदगी में। थैंक यू सो मच।